ये देखिए गाइस, ये मैंने आम छीले हुए हैं। एक पका आम लिया मैंने, इसका ये पूरा छिलका ऊपर का निकाल दिया, और अब मैं बनाऊंगी इसका आम रस। तो सारे पीसेस मैं जो है एक ग्राइंडर में डाल देती हूँ, और इसका बहुत ही टेस्टी आम रस बनाने वाली हूँ आज मैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये पूरा आम ऐड कर दिया मैंने। और ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसमें शुगर, आप चाहें तो ऐड करें, या अगर आपका मन ना हो तो आप ना भी ऐड करें, ये ऑप्शनल है। और अब थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें पानी, आप चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरा आम रस बन के रेडी हो चुका है। एंड ये देखिए गाइस, मेरी जो डिनर थाली है वो रेडी हो चुकी है, और बहुत ही टेस्टी आम रस बनाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। और ये आम रस रोटी सब्जी अचार एंड प्याज, और ये खाऊंगी और सो जाऊंगी। सो गाइज, मैं डिनर करने के बाद तुरंत सोती नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, थोड़ा टहलूंगी इधर उधर, और खाना खाने के 1 घंटे बाद सोती हूँ मैं। आपसे बात करती हूँ डिनर करने के बाद। ये देखिए गाइस, रात के बज चुके हैं 12:30, 12:28 हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और सैटरडे 22 जुलाई तो कल है सैटरडे सैटरडे सैटरडे। अब दिखाती हूँ बाहर का मैं नज़ारा। तो गाइस, हो रही है बारिश, ये आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। और रात में जो है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है शहरों में, तो गांव में तो दूर दूर तक लाइट समझ नहीं आती, पर यहाँ तो दिन में रात में भी दिन लगता है, ऐसे लगता है कि अभी मतलब दिन ही है। गलियों में यहाँ के इतना उजाला रहता है, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए नीचे की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसे लग रहा है कि दिन है, लेकिन आसमान में तो तारे दिख रहे, तारे भी नहीं दिख रहे बाबा, बादल दिख रहे बहुत सारे, रात में वो भी नहीं दिख रहे। हो रही है बारिश जोरदार। तो गाइस, देखा आपने, रात के बज चुके हैं 12:30, और अब मैं सोने जाऊंगी। मेरा कल का काम जो है वो फिनिश हो चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है, और किचन क्लीन करने में और सारे बर्तन वर्तन साफ़ करने में, साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह से उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना, देन ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच बॉक्स रेडी करना, फिर ऑफिस जाना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं सारा काम ना रात में निपटा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना भी नहीं चाहिए, तो मेरा हेल्दी डिनर हो चुका है ऑलरेडी, और मेरा सारा काम भी फिनिश हो चुका है, और अब मैं जाऊंगी सोने। और हाँ, आप लोगों से एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, कि मेरे से किसी ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा है कि मेरी 4-व्हीलर कौन चलाता है। ओके, कोई बात नहीं, इसका मैं जवाब आपको कर दूँगी। आज हो चुकी है बहुत रात, तो कल मैं आपको बताऊँगी कि ड्राइव कौन करता है, और आपसे बात करूँगी इस मैटर पे। ओके, तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही है, और बहुत मौसम अच्छा हो रखा है, बादल के गरजने की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, बारिश हो रही है इस समय तो 24 आवर्स बारिश होती है। इधर मैंने तो धूप भी नहीं देखी है बहुत दिनों से, इधर धूप भी नहीं हो रही है, तो मतलब अच्छा लगता है बहुत। और अब मैं सोने जा रही हूँ, लेट हो रहा है क्योंकि मुझे 5 बजे उठना रहता है, 5 बजे उठ के और 5:30 बजे तक फ्रेश होके फिर मैं 5:30 बजे घर से निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और 6:30-7 बजे तक अपने घर आ जाती हूँ, मतलब अपने रूम आ जाती हूँ, देन इसके बाद सारा काम शुरू होता है मेरा। तो आज के लिए तो इतना ही है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और आपसे कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए है बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के बज चुके हैं 12:30, 12:30 होने को है, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल सुबह हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुबह।